भारतीय रेलवे ने अपना पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक लॉन्च किया है। 1 लाख से अधिक ऐसे और मेड इन इंडिया वैगनों को तैनात करने की योजना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का उद्घाटन किया। पहला एल्यूमिनियम फ्रेट रेक 61 रेल मंत्री द्वारा ग्रीन फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया। रेक का गंतव्य बिलासपुर है। रेक मेड इन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक समर्पित प्रयास है, क्योंकि इसे RDSO हिंडालको और बैस्को वैगन के सहयोग से स्वदेशी रूप से पूरी तरह से डिजाइन और विकसित किया गया है। स्टील रेक पर एल्यूमिनियम रेक एक बड़ा सुधार है, क्योंकि इनके कई फायदे हैं। ये हल्के होते हैं, इसलिए ईंधन भी कम खाते हैं। वेट होने के कारण ये सामग्री अधिक ले जा सकते हैं और लंबे समय तक चल सकते हैं, और साथ ही इनको कम रखरखाव की आवश्यकता होती है। हिंडाल्को के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि एल्यूमिनियम रेक को माल ढुलाई के आधुनिकीकरण और भारतीय रेलवे के लिए बड़ी कार्बन बचत को सक्षम करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इसमें आगे बताया गया कि ये रेक मौजूदा स्टील रेक की तुलना में 180 टन हल्के हैं और साथ ही 5 से 10% अधिक पेलोड ले जा सकते हैं। ये वैगन पूरी तरह से लॉक बोल्ट पर बनाया गया है, जिसमें सुपर स्ट्रक्चर पर कोई वेल्डिंग नहीं है, और इसका पूरा पेलोड टू टायर अनुपात 2.85 है, जो स्टील वैगनों की तुलना में अधिक है। मंत्रालय के अनुसार टायर कम होने से कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी, क्योंकि खाली दिशा में ईंधनी खपत कम होगी और लोडेड कंडीशन में माल ढुलाई अधिक होगी। यह अकेला रेक अपने पूरे जीवन काल में 14,500 टन CO2 बच सकता है। रेलवे आने वाले वर्षों में अपनी मालगाड़ियों में 1 लाख से अधिक एल्युमिनियम वैगन जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे CO2 उत्सर्जन में काफ़ी कमी आएगी। एल्यूमिनियम दुनिया भर में मेट्रो ट्रेनों के लिए अपने पैसेंजर सेफ्टी के लिए पसंदीदा विकल्प है। भारतीय रेलवे ने पहले ही एल्यूमिनियम बॉडी वाले वंदे भारत ट्रेन सेट बनाने की अपनी योजना की घोषणा कर दी है। हिंडाल्को भारत में इस क्रांतिकारी बदलाव को लाने के लिए कमिटेड है और भारत में एक अनुकूल इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए ग्लोबल पार्टनर्स के साथ चर्चा में लगी हुई है।